एवरीवन, ईडीएम शोज पर आपका स्वागत है। नया साल आ चुका है और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ आज हम बनाएंगे नए साल की सबसे पहली मिठाई, जो कि बिना गैस जलाए हम बनाएंगे। और इन्हें बनाने के लिए हम घर में पड़ी हुई सिर्फ 3 से 4 चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। और ये मिठाई बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इस मिठाई को हम कई दिनों तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ ईडीएम शोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए झटपट से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर घर पर तैयार किया हुआ मूंगफली के नमकीन दाने लिए हैं, जो कि हम सिंग दाने के नाम से जानते हैं। और इन्हें घर पर तैयार करने का तरीका मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। और ये नमकीन मूंगफली के दाने ही हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं, इसी से हमारी मिठाई में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला यूज़ ना करें, क्योंकि मार्केट वाले जो सिंग दाने होते हैं उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और घर पर जो हमने तैयार किया है इसमें परफेक्ट सही मात्रा में नमक है, जिससे कि इस मिठाई में बहुत ही अच्छे से टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर सिंपल जो मूंगफली के दाने होते हैं रोस्ट किए हुए, उनका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये नमकीन वाले सिंग दाने का यूज़ कर रही हूँ, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब है मूँगफली के नमकीन सिंग दाने। तो अब हम इन्हें अपने हाथों में थोड़ा सा इस तरह से मसल देंगे, रब कर लेंगे, ताकि इनका जो छिलका है ये उतर जाए। और फिर हम इसे झाड़ लेंगे ताकि इसके सभी छिलके इससे अलग हो जाए। इस तरह से देखिए मसल लेंगे और सभी छिलके हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मूंगफली के सभी छिलके मैंने हटा लिए हैं और ये बीच में से अलग भी हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इन सिंग दानों को घर पर तैयार करने का तरीका आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसमें अब हम डाल देंगे 1/4 कप काजू, 1/4 कप ही मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ये हरी इलायची का पाउडर। और इन चारों चीज़ों को हम अब अच्छे से पीस लेंगे और मिक्सी को हम रोकते हुए पीसेंगे, नहीं तो मूँगफली और काजू अपना तेल छोड़ सकते हैं। ऐसे तो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी हम इस मिक्सी को चलाते टाइम पर बीच बीच में रोकते हुए चलाएंगे। ये देखिए मैंने काजू को और मूंगफली का अच्छे से पीस लिया है और एकदम फाइन इसका पाउडर होना चाहिए, इसमें काजू के और मूंगफली के टुकड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसमें अब हम डालेंगे गुड़, ये मैंने 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया था जो कि अच्छे से हमने ग्रेट किया है। और एक बार फिर हम इसे मिक्सी में घुमा लेंगे, अच्छे से मिक्सी को हम चला लेंगे और यहाँ पर भी हम मिक्सी को रोक रोक कर ही चलाएंगे। ये देखिए एक बार फिर मैंने गुड़ के साथ भी इसे अच्छे से पीस लिया है और अब ये देखिए आप देख सकते हो कि अब ये एकदम डो की तरह ये लगने लगा है। तो अब हम निकाल लेंगे इसे एक प्लेट वगैरह में। ये देखिए अभी ये जो मिक्सचर है ये एकदम चूरमे की तरह लग रहा है। तो अब हम थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथों में लेंगे और इस तरह से दबाएंगे और हमें अपने हाथों पर तेल या घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस तरह से इसे दबाते जाएंगे और एक स्मूथ सी हम इसकी बॉल बनाकर तैयार कर देंगे। आप छोटे या बड़े जिस भी साइज़ में चाहो इसे बनाकर रख सकते हो। इस तरह से देखिए ये देखिए इस तरह से। तो हम इस तरह से सभी जो बॉल्स हैं वो बना करके रख लेंगे। आप चाहो तो इन्हें आप थोड़ा सा पेड़े की तरह इस तरह से चपटा भी कर सकते हो, ये देखिए इस तरह से। तो ये लीजिए तैयार है हमारे नए साल की सबसे पहली मिठाई, जो कि हमने बिना गैस जलाए और घर की 3-4 चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है। ये मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके, पूरी सर्दियों के सीज़न में यानी कि 3 से 4 महीने तक के लिए हम इस मिठाई को स्टोर कर सकते हैं। और बनाने में भी ये एकदम आसान है, तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर घर पर बनाइएगा। ये मिठाई को बस आप अपने मुंह में रख लीजिए और ये मिठाई कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी कि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर आप अपने घर पर इसे ट्राई करिएगा, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये मिठाई ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप इसमें नमकीन वाली मूंगफली का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ भुनी हुई सिंपल वाली मूंगफली का यूज़ भी कर सकते हो, बट इस मिठाई को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को पसंद आएगी। और अगर आपको ये मिठाई पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ईडीएम शोज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट इसी तरह की रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस नए साल की पहली मिठाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडीएम शोज।